असलम दोस्तों आई बी एस टी एस टेस्ट के पार्ट नंबर थ्री के साथ आपकी खिदत में हाजिर हो इससे पहले दो हिस्सों की वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डालूँगा एवरीडे साइंस में दोस्तों हमारे पास सवाल नंबर छिहत्तर है कि द पार्टिकल्स एटम आर मालिक्यूल इन सॉलिड रिमेन इन मोशन एंड देट मोशन इज़ लिमिटेड टू वाइब्रेशनल मोशन ऑप्शन सी ठीक है सवाल नंबर सतत्तर है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नॉन एज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे आर कलेक्टिवली नॉन एज ऑप्शन बी ठीक है सवाल नंबर अठहत्तर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल पेपर क्लिप है काइन है एरेजर नहीं है और आयरन नेल्स भी है तो यह इरेजर ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है सवाल नंबर ये है एन आयरन नेल कैन बी मैग्नेटाइज्ड बाय हेमरिंग ऑन इट पहला ऑप्शन ठीक है सवाल नंबर अस्सी है फोर्स डेट स्टॉप थिंग्स फ्रॉम मूविंग इजीली इज नॉन एज इजीली मूविंग दोस्तों वह फोर्स जो कि चीज़ों को स्टॉप करती है ईजिली मूविंग सी उसको फ्रिक्शन कहा जाता है सवाल नंबर इक्कीस है द स्कई डाइवर्स यूजेस पैराशूट टू डिसेंडेड डिस द अर्थ बिकॉज एट बिकॉज एट इट इंक्रीजियर रेजिस्टेंस पहला ऑप्शन ठीक है सवाल नंबर बहसी है एम्पेबियंस लेदयर एग्ज इन एम्पेबियंस अंडे कहा देती है वाटर। ऑप्शन बी ठीक है सवाल नंबर तीस सी है ऑर्गेनिजम देट ईट ऑल द डेड एंड वेस्ट प्राडक्ट ऑर्गेनिज्म जो कि कहा जाती है ऑल द डेड और वेस्ट प्रोडक्ट को एंड रिटर्निंग यूजफुल एलिमेंट टू साइल एंड एनवायरमेंट आर नोन एज उसे दोस्तों डिकम्पोजर कहा जाता है सवाल नंबर चौरस है एनिमल्स डेट ईट ओनली एनिमल्स वह जानवर जो कि गोश खाती है या सिर्फ जानवर खाती है दोस्तों उसे कार्निवोर्स कहा जाता है ऑप्शन बी करेक्ट है ओमनीवर वह वो होती हैं जो कि जानवर बिकाती है गोश बिकाती हैं और इसके साथ साथ भी खाती है तो वह वो ओमनीस कहलाते हैं जैसा कि इंसान और दूसरी जानवर वगैरह और आप्शन डी में हारबीवोर्स लिखा है जो कि सिर्फ घास पत्ती वगैरह कहती है तो उसे हरबीवरस कहा जाता है सवाल नंबर पच्चीस ये मटीरियल्स प्रम विच करण पासहर कार मटीरियल जिससे करण गुजरती है आर कॉल कंडक्टर्स ऑप्शन बी ठीक है हमारे पास यहाँ पर ये पोर्शन है इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ का सवाल नंबर छह सी है कि नेम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो डेट इंट्रोड्यूस द फर्स्ट बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम इन पाकिस्तान पाकिस्तान में फर्स्ट बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम दोस्तों ये उन्नीस के मार्शल्ला के बाद उन्नीस में जनरल अयूब खान ने इंट्रोड्यूस करवाया था ऑप्शन डी ठीक है सवाल नंबर सतासी है वो डेड एम्पोस्ट तर्ड मार्शाला पाकिस्तान पाकिस्तान में पहली मार्शा सिकंदर मिर्जा दूसरी मार्शाला खान और तीसरी मार्शाला जनरल ज़ियाउल हक ने लगाई थी ऑप्शन सी ठीक है सवाल नंबर अठस्सी है लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ऑफ मुस्लिम पार्सिपरेट इलेक्टोरेट वॉज कंसिडर्ड एंड इनकलीड इन विच रिफॉर्म मैंटो मार्ले रिफाम उन्नीस सौ नौ ऑप्शन बी ठीक है सवाल नंबर नवसी है वेयर डेट द प्रॉफेट सल्ला वसलम एंड बकर सिद्दीक रजी अल्लाह टेक शेल्टर बिफोर प्रोसीडिंग टू तो अल मदीना मदीना जाने से पहले दोस्तों हज़रत मोहम्मद रसोल्ला नबीन सलील वसलम और हज़रत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तहु उन्होंने पना ली थी गार शोर में ऑप्शन डी ठीक है सवाल नंबर नवे है व्हाट सिग्निफिकेंट इवेंट इन इस्लामिक हिस्ट्री आकड़ इन रजब रजब में दोस्तों इसरा आवर मराज का वाक़ हुआ था तो ऑप्शन ए ठीक है आगे के सवाल दोस्तों ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है सवाल नंबर इक्यावे में, में लिखा है कि अ नंबर आर लेटर देट अपीयर्स लेटल बिलो द नॉर्मल टेक्स इन एम एस वर्ल्ड दो हज़ार सोलह स्कॉ सब्सक्रिप्ट ऑप्शन ठीक है सवाल नंबर बारह में है द फोर टाइप ऑफ मेल मर्ज मेन डॉक्यूमेंट्स इन एम एस वर्ल्ड दो हज़ार सोलह यह ऑप्शन सी ठीक है पॉम लेटर्स इन लेबल्स एंड कैटलॉग्स तो यह ऑप्शन सी लगेगा सवाल नंबर में है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलाज एम एस एक्सेल दो हज़ार सोलह वेल नट बी एबल टू कैलकुलेट यहाँ पर नट बी एबल टू कैलकुलेट एम एस एक्सेल दो हज़ार सोलह का फार्मूला इज़ इक्वल टू सम आवर सेल्स ऑप्शन बी है सवाल नंबर चौरानवे टू चेंज लाइन हाइट टू वन पॉइंट फाइव इन एम एस वर्ल्ड दो हज़ार सोलह वी यूज शार्ट की चेंज लाइन हाइट टू एक इशारे पाँच इसके लिए शार्टकट की कंट्रोल प्लस फाइव दबाई जाती है सवाल नंबर पचानवे शेडो आउट लाइन एम वास ग्रेओ आर पॉइंट इन पाउंड डायलॉग बॉक्स यह ऑप्शन सी लगेगा सवाल नंबर छियान में देखिए इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हाउ कैन यू इंक्रीज द फंड साइज ऑफ सिलेक्टेड टैक्स बाय वन पॉइंट एवरी टाइम इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस और ये बड़ा ब्रिकट क्लोज साइन तो यह पहला ऑप्शन ठीक है सवाल नंबर सतानवे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट साइंटिक्स इन एम एस एक्सेल ट्रू रिज़ल्ट एंड फॉल रिजल्ट ऑप्शन डी यह करेक्ट ऑप्शन ए लॉजिकल टेस्ट ट्रू रिज़ल्ट और फॉल रिजल्ट ऑप्शन डी ठीक है सवाल नंबर अठानवे द रिमाइंडर आफ्टर अ नंबर इज डिवाइडेड बाई अ डिवाइजर इन एक्सेल दो हज़ार सोलह वी यूज द फंक्शन टू रिटर्न द रिमाइंडर इसके लिए हम फंक्शन दोस्तों एम ओ डी ऑप्शन बी इस्तेमाल करती है सवाल नंबर में, विच ऑफ़ द फॉलोइंग कैन यू यूज टू एड टाइम टू द स्लाइड इन प्रेजेंटेशन टू एड टाइम टू अ स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। इसके लिए स्लाइड शो मेनू का इस्तेमाल किया जाता है स्लाइड शो मेनू। ऑप्शन ए ठीक है हमारे पास सवाल नंबर सौ में लिखा है कि मोस्ट सूटेबल रेंज ऑफ ब्लूटूथ वायरलेस पार इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन इज तीस फुट यानी दस मीटर है यह ऑप्शन ठीक है तो वीवर जे रहा आज यानी अठारह जनवरी दो हज़ार तेईस को होने वाली एस टी एस टेस्ट का तीसरा हिस्सा इन शाला इसी टेस्ट के बाकी सवाल भी हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग